वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू वीडियो गाइज। अभी मैं आया हूँ माउंट बर्ड रीड्स जो कि अनंतनाग में है, रॉयल एनफील्ड का शोरूम। आज हम इस बाइक का रिव्यू करेंगे। यह है रॉयल एनफील्ड बुलेट एलेक्ट्रा 350, 2022 मॉडल है ये। आज इसी की बात होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो गाइज ये रही आपके सामने बुलेट एलेक्ट्रा 350 2022 मॉडल, और इसका जो कलर है वो है रीगल रेड। ये देखिए एलेक्ट्रा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपको किक स्टार्ट में भी आती है एंड इसका जो है आपको सेल्फ स्टार्ट में भी आएगा, इलेक्ट्रिक स्टार्ट जिसको बोलते हैं। तो गाइज अगर इसके चेसिस की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है सिंगल डाउन ट्यूब टेबुलर फ्रेम। ये देखिए सिंगल डाउन ट्यूब टेबुलर फ्रेम आपको इसमें मिलता है। तो गाइज अगर फ्रंट की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है 99mm का टायर विद स्पोक व्हील्स, 3.2 इसका साइज है। ये देखिए तो ये जो टायर्स हैं ये आपको ट्यूबलेस नहीं मिलेंगे। तो गाइज इसका जो मडगार्ड है फ्रंट मडगार्ड वो आपको मेटल में मिलता है। ये देखिए तो आज की डेट में अभी आपको सारे मडगार्ड जो हैं लगभग प्लास्टिक में ही आते हैं, बट ये आपको मेटल में मिलेगा जो कि बहुत अच्छी बात है। तो गाइज अगर इसके फ्रंट शॉकर्स की बात की जाए आपको इसमें मिलता है टेलीस्कोपिक शॉकर 35mm के। ये देखिए अगर इसके फ्रंट डिस्क की बात की जाए ये आपको 280mm की फ्रंट डिस्क मिलती है जिसमें आपको ABS का ऑप्शन मिलता है फ्रंट में, क्योंकि बुलेट एलेक्ट्रा जो है वो बेसिक वेरिएंट आता है रॉयल एनफील्ड में, तो इसमें आपको जो है सिंगल चैनल ABS अवेलेबल रहता है। तो आपको दोनों साइड में जो है सस्पेंशन पे आपको ये दो रिफ्लेक्टर्स आपको दोनों साइड में देखने को मिलेंगे, यहाँ से भी और वहाँ से भी। तो गाइज बात करते हैं इसके हेडलैम्प की। हेडलैम्प पे कुछ चेंजेस नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें आपको हेलोजन लैम्प मिलेगा सेम टू सेम जैसी पुरानी आती थी, एंड इसमें आपको दो इंडिकेटर्स मिलते हैं सेम टू सेम जैसे पुराने मॉडल में आती थी। अब 2022 मॉडल में भी सेम टू सेम आते हैं, बट इनमें आपको LED का ऑप्शन नहीं मिलेगा इंडिकेटर्स में भी, इनमें आपको बल्ब का ऑप्शन ही मिलेगा। एंड ये सामने नंबर प्लेट की जगह यहाँ पे दो पायलट लैंप, बाकी सारा कुछ सामने भी सेम टू सेम ही है। तो इसका मीटर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिलेगा, ये देखिए। एंड मैं इसका कीज़ ऑन करता हूँ। यहाँ पे आपका जो है इंडिकेटर सिग्नल है, यहाँ पे लैंप, यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे आपका पासिंग लाइट स्विच का जो है ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंड इस जगह पे अगर आप जाएंगे यहाँ पे आपका लो फ्यूल इंडिकेशन ABS, एंड यहाँ पे जो है इंजन माल फंक्शनिंग इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये है गाइज इसकी कीज़। आपको बुलेट एलेक्ट्रा 350 की कीज़ कुछ इस तरीके की मिलेंगी, इनमें आपको रॉयल एनफील्ड का लोगो दिखेगा। ये देखें मैं अब इसमें कीज लगाता हूँ। तो अगर इसके इंजन की बात की जाए इसमें आपको मिलता है 346.36 सीसी का इंजन जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 14.8 किलोवाट्स एट द रेट 5250 RPM एंड 28 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट द रेट 4000 RPM। ये देखिए इसका इंजन है, इसमें आपको बोथ इलेक्ट्रिक स्टार्ट एंड आपको किक स्टार्ट दोनों इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आपको इसमें मिलता है। अगर इसके टैंक की बात की जाए तो यहाँ पे आपको टैंक पे 3D एम्बलम रॉयल एनफील्ड का देखने को मिलेगा, एंड इसकी जो टैंक कैपेसिटी है वो है 13.5 लीटर की। तो गाइज कंपनी जो माइलेज क्लेम करती है 35 to 40 किलोमीटर पर लीटर। तो इंजन इसमें आपको जो है ब्लैक कलर का ही मिलेगा सारा का सारा, ये देखिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और अट्रैक्टिव दिखता है। साथ ही यहाँ पे एयर फिल्टर है, ये देखिए, एंड यहाँ पे आपका जो है टूल बॉक्स एंड उस साइड में आपका बैटरी कंपार्टमेंट यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे बुलेट 350 का स्टीकर लगा हुआ है इस वाले कंपार्टमेंट में। ये देखिए ये राइडर फुट पैग्स एंड ये को राइडर फुट पैग्स हैं, ये देखिए बिल्कुल डिफरेंट आपको देखने को मिलते हैं।
एंड इसमें आपको ये जो है साइलेंसर जो है आपको क्रोम में मिलता है। सीट कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी, ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड सीट थोड़ी सी नहीं बहुत हार्ड है एज़ कम्पेयर टू क्लासिक। एंड यहाँ पे ये ग्रैब रेल पीछे से, ये साड़ी गार्ड। एंड आपको इसमें जो है 5-speed गियरबॉक्स मिलता है, ये देखिए 5-speed गियरबॉक्स का ऑप्शन आपको इसमें मिलता है विद साइड स्टैंड एंड मेन स्टैंड। इसमें आपको 2 stands मिलते हैं, प्लस यहाँ पे कंपनी की तरफ से हॉर्न मिलती है, ये देखिए। तो गाइस ये है पीछे का टायर, इसमें भी आपको स्पोक ही मिलेगा विद आपको इसमें ये ट्यूबलेस ऑप्शन नहीं आता, 19 inches कहेंगे। एंड आपको पीछे जो है 153 mm के ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। अब टेल की तरफ चलते हैं हम, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का लोगो, ये पीछे की ब्रेक लाइट, ये भी आपको बल्ब का ही ऑप्शन मिलेगा इसमें। एंड आपके 2 indicators इसमें भी आपको बल्ब का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह। एंड ये जो है रिफ्लेक्टर पीछे की तरफ, तो गाइस ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन बुलेट इलेक्ट्रा 2022 मॉडल। ये रही आपके सामने बाइक, अब करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की बात। तो गाइस इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1,90,600 rupees अनंतनाग में, जो कि आपको बुक करनी है यहाँ पे माउंट बर्ड व्हील्स के पास। आपका इनका मैं फ़ोन नंबर भी रखूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं और ये बाइक बुक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।